हेलो एवरीवन, इंडियन ज्योग्राफी में हमने कुछ वीडियो आपको पहले बनाए थे जिसमें हम हिमालय के क्लासिफिकेशन तक बात कर चुके हैं। इसके बाद बचता है जो इंडियन प्लेट्यू, साथ ही साथ जो हमारे भारत का विशाल मैदान ग्रेट प्लेन, उसके संबंध में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। आज उन लेक्चरों को स्किप करके उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा ये लेक्चर है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा टफ है इसको समझना, लेकिन कभी कभी इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम इसको आज जल्दी से देखेंगे कि इसमें सारा डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ उन चीज़ों को बताऊंगा जिनसे कोई क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना, साथ ही साथ भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं, बस इन दो चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो मेन टॉपिक हमारा है भारत की प्रमुख चट्टानें, लेकिन उन चट्टानों के पहले भारत का जो भूगर्भिक संरचना है उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी जब बनी और पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं का जो विकास हुआ उसको हम अलग अलग इरा में बांटते हैं। इरा जिसे हिंदी में कल्प कहते हैं, तो ये जो डिवीजन किया गया है पांच भागों में किया गया है। आप इस टेबल में देखोगे कि यहाँ पर कल्प सबसे पहले एजोइक एरा, इसके बाद पैलियोजोइक, देन उसके बाद मेसोजोइक और फिर सेनेजोइक, और सबसे लास्ट में जो एरा था जिसे नियोजोइक के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ये जो एरा था एक बड़ा पीरियड हो गया, यानी कल्प एक बहुत बड़े लंबे सालों का समय था। इसको फिर डिवाइड किया है युग में, जिसे एपॉक भी कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, यानी चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय युग में बांटते हैं। फिर इसका और सब डिवीजन किया जाता है किसमें, शक या पीरियड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर हम इरा में देखें, एजोइक इरा, इसको दो पीरियड में डिवाइड किया, प्री कैम्ब्रियन और दूसरा आर्कियन। अब ये मैं प्री कैम्ब्रियन आर्कियन नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप कभी कभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते समय सुनते हैं कि ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन एरा की हैं या आर्कियन युग की चट्टानें हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं आप इसको याद रखें, ठीक। इसके बाद ऐसे ही कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, फेरस, परमियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेसिस, ईयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, ये सब नाम कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इनका ड्यूरेशन भी लिखा है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको याद करो, लेकिन आप जो याद करेंगे वो क्या याद करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से इरा की बात करते हैं, एजोइक इरा, हिंदी में जिसे कल्प कहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, पृथ्वी बनी, ठीक। अब आपको मालूम होगा कि पृथ्वी पर पहले बिग कॉन्टिनेंट था, तो वो जो बिग कॉन्टिनेंट, बड़ा महाद्वीप था पेंजिया, ये कब बना था। तो इसका बनना यानी फॉर्मेशन ये इसी समय शुरू हुआ था एजोइक में, ठीक। इसके बाद फिर दूसरा, एजोइक को हम अजैविक कल्प भी कहते हैं, यानी इस समय पेंजिया कॉन्टिनेंट बना, कोई भी जीव इस समय नहीं मिले, इस बात के कोई भी एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिलते, ठीक। आगे फिर सिल्यूरियन की बात करें, तो सिल्यूरियन यानी ये क्या है, ये आप देखोगे पीरियड या शक के समय की बात है, यानी पैलियोजोइक यानी दूसरा इरा शुरू हुआ था, और दूसरे इरा में यहाँ सिल्यूरियन लिखा हुआ है। तो उस समय कौन से जीव बनने शुरू हो गए थे, उस समय जो जीव थे वो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है, मोलस्क का, है ना, कोरल फेस, ये सब इसी समय आए थे। फिर ऐसे ही कार्बोनीफेरस में पहुंचते हैं, तो पेंजिया जो महाद्वीप था उसका डिवीजन हो गया था, दो भागों में बट गया था, ऊपर की ओर नॉर्थवार्ड जो प्लेट मूव करती है उसे लॉरेशिया, और जो साउथ की ओर गई थी उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था, और उसके बीच में जो एक समुद्र बना उसे टैथिस सागर के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये जानकारी ज़रूरी है, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया, तो फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया वो है अजैविक कल्प, यानी जो सबसे पहला है जिसे हम एजोइक एरा बोलते हैं, और उसके बाद डिवीजन यानी इसका विभाजन कब हुआ, तो वो कार्बोनीफेरस युग में हुआ था, ठीक।
अब जुरासिक युग यानी उस समय डायनासोर ये सब बातें थी, तो जुरासिक युग में जो दक्षिण की प्लेट थी उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये बस जानकारी आपको याद रखनी है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब हम आते हैं भारत में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनके बारे में। तो भारत में चट्टानें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्कियन युग की चट्टानें। अब ये जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो ये चट्टानें बनी हुई थी जब गर्म पृथ्वी ठंडी हुई, अब ठंडी होती है उसके बाद इनका फॉर्मेशन यानी इनका बनना, इनका प्रादुर्भाव शुरू हुआ। तो ये सबसे पुरानी चट्टान है, यही मूलभूत यानी फंडामेंटल रॉक्स के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन ये इतनी पुरानी कि आज इनका जो मूल ढांचा था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इसकी विशेषता है कि इन रॉक्स में, आर्कियन रॉक्स में, कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब ये चट्टानें कहाँ मिलती हैं, कहाँ इनके अवशेष बचे हुए हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर इनके कुछ बचे कुचे अवशेष हैं। अगले स्टेप में हम चलेंगे धारवाड़ युग की चट्टानें, यानी आर्कियन के बाद नेक्स्ट जो है उन्हें हम धारवाड़ युग की चट्टानें कहते हैं। तो आर्कियन युग की जो चट्टानें थी उनका हुआ अपरदन, इरोजन, और फिर उनका होता है डिपोजिशन, निक्षेपण। अपरदन यानी कि वो सतह का कट जाना बाई एयर, बाई आइस, बाई वाटर, कोई भी तरीका हो सकता है। और उस अपरदन के बाद वो सारा मटेरियल कहीं पर डिपॉजिट हुआ होगा, उसे कहते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण, इससे जन्म हुआ। तो धारवाड़ युग की चट्टानें ये सबसे प्राचीन है और कैसी हैं? लेयर्ड यानी परतदार चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं। इनमें भी किसी भी प्रकार के कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं। और इस प्रकार की चट्टानों का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसी समय बना, ये विश्व का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन्स माना जाता है। अब धारवाड़ युग की चट्टानों में कुछ प्रीशियस मेटल्स मिल जाते हैं, जैसे आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, मैंगनीज, ये सब मिलते हैं। कहाँ, कौन सा भारत में हिस्सा इससे बना हुआ है? तो लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, इसी प्रकार के माउंटेन्स या चट्टानें मानी जाती हैं। अगला स्टार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं कड़प्पा युग की चट्टानें। अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो धारवाड़ युग की जो चट्टानें थी उसका यहाँ इरोजन होगा और उनके डिपोजिशन से यानी धारवाड़ युग के अपरदन और निक्षेपण से ये चट्टानें बनी। ये भी परतदार हैं यानी लेयर्ड हैं। और इनका नाम कुड़प्पा क्यों पड़ा? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सबसे पहले ये खोजी गई, इसलिए इनका नाम कुड़प्पा चट्टानों के नाम से रखा। ठीक, इसके इनमें क्या विशेषता है कुड़प्पा युग की चट्टानों में? तो सैंड स्टोन, जिसे हम बलुआ पत्थर कहते हैं, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल, एस्बेस्टस, ये इसी प्रकार की चट्टानों के एग्जाम्पल आते हैं। अगले फेज में अब हम चलते हैं विंध्यन युग की चट्टानें। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? छिछले सागर और नदी घाटी के तलछट और निक्षेपण से, यानी कुड़प्पा के बाद इनका फॉर्मेशन शुरू होता है। नदियों की घाटी में कम गहराई का जो समुद्र था वहाँ पर डिपोजिशन की वजह से ये बना। इनमें भी लेयर्ड पाई जाती हैं और इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो विंध्यन युग की चट्टानें मालवा का पठार, सोन घाटी, बुंदेलखंड, इसमें पाई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश में फेमस जगह है पन्ना। तो पन्ना जो भारत में एकमात्र स्थान जहाँ पर डायमंड मिलते हैं, तो वो इसी प्रकार की चट्टानों में होता है। ठीक, तो बाकी ये चट्टानें किस काम आती हैं? तो बिल्डिंग मेकिंग मटेरियल है, संगमरमर हुआ, डोलोमाइट हुआ, ये सब चीज़ें। अगले फेज में अब हम चलते हैं गोंडवाना युग की चट्टानें। तो मध्य प्रदेश में गोंड शब्द यानी एक जनजाति ट्राइब्स के नाम पर वो उनका निवास स्थान था, तो इसी ढंग से इनको नाम दे दिया जाता है। कई सारे इसमें मिथ्स चलते हैं, बातें चलती हैं। इन चट्टानों में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का 98% कोयला मिलता है। और ये कब बनी थी? तो कार्बोनी फेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अगले स्टेप में दक्कन ट्रैप मैसोजोइक युग के लास्ट पीरियड में इनका शुरू हुआ।
जब पेनिनसुला में वॉल्केनिक एक्टिविटी हॉटस्पॉट उसकी वजह से यहाँ पर लावा बाहर आया और उसके जमा होने से उसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो बेसाल्ट से बनी है, काली मिट्टी इसी से बनी हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ये मिलते हैं। ठीक, तो ये सारी चट्टानें हुई। इसके बाद फिर तृतीयक युग की हम कुछ चट्टानें देख लेते हैं, चूँकि इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए हैं, चूँकि ये हिमालय से संबंधित है इस वजह से। ठीक है, सब जानते हैं कि हिमालय सबसे नवीन है, यंग है, ये अपने फॉर्मेशन की स्टेज में है। तो हिमालय का जो निर्माण ईओसीन युग से लेके प्लायोसीन युग के बीच में हुआ। हिमालय को हम तीन पार्ट में बांट चुके हैं, कौन कौन सा? ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। पुराना लेक्चर आप देखोगे बहुत अच्छे से डिटेल में, आप वहाँ पर उसको देख पाएंगे। यहाँ जो ग्रेटर हिमालय था ये किस समय बना? तो ओलिगोसीन युग में बना, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लघु हिमालय ये बना मायोसीन युग में, और शिवालिक जो सबसे लास्ट में बना उसे प्लायोसीन काल में बना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम हिमालय को छोड़कर असम, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से जो खनिज तेल के जो रेसिडुअल मिलते हैं वो ईओसीन से ओलिगोसीन काल में मिले हुए हैं। चूँकि हम तृतीयक युग को चार भागों में बांट के पढ़ते हैं, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, तो ऐसे करके ये हो जाता है। तृतीयक के बाद फिर चतुर्थ क्वार्टनरी आ जाता है, इसमें सिंधु और गंगा के मैदान मिलते हैं और इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन में। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने की संभावना है। बताना तो इसमें आपको सब था कि जैसे पैलियोजोइक, उसको प्राइमरी में डिवाइड किया, फिर उसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस, परमियन, देन उसके बाद मेसोजोइक था तो सेकेंडरी एरा स्टार्ट हुआ था, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर सेनेजोइक आया जिसे टर्सरी युग में बांटा था, ये चार भागों में ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। यहाँ पर सिर्फ लास्ट के दो पॉइंट आपको बता दिए गए क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उनका ज़्यादा यहाँ पर रोल है। फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करें, हम इसको डिटेल में भी आपको समझा सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।